सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे एम्स पीएससी नर्सिंग की जो आपकी काउंसलिंग है 2024 के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। जिन भी बच्चों का नेम मेरिट लिस्ट में था वो अपनी इस काउंसलिंग को करवा सकते हैं। एंड वन थिंग मोर कि अगर आपकी जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो लीस्ट मतलब जो लीस्ट रेटेड एम्स हैं, मतलब जहाँ पर आपके जो एम्स उतने हाई रेटेड नहीं हैं, उनको अपने प्रायोरिटी में फ़र्स्ट फिल कर सकते हो। बिकॉज जो बच्चों की हाई रैंक होगी वो ऑफकोर्स सी बात है कि ऐसे एम्स डालेंगे जो हाई रेटेड हैं, लाइक आपका एम्स दिल्ली, जोधपुर, जो आपके नज़दीक नज़दीक भी हैं या दूर नहीं है। उसके अलावा अभी नोटिस में आप पहले शेड्यूल देख लो, शेड्यूल में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डाउनलोड करके आप अपने शेड्यूल्स को देख सकते हो। सबसे पहले जो आपकी फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी वो 5 तारीख से शुरू है, मतलब कल से शुरू है आपकी। चॉइस फिलिंग आप कल से कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। उसके बाद कोई भी गलती मत करना चॉइस फिलिंग में, बिकॉज वो ऐसा होगा कि अगर आपने 4 एम्स डाले तो उन 4 में से अगर आपकी रैंक पर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई भी एम्स नहीं मिलेगा, अगर आपने 4 के अलावा बाकी एम्स नहीं डाला है तो। अब अनाउंसमेंट आपकी 12 तारीख तक हो जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन एक्सेप्टेंस आपको करना होता है कि हाँ मैं ये सीट एक्सेप्ट करती हूँ, और दूसरी चीज़ होती है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सेकेंड राउंड के लिए प्रोसीड करूँगी। तो आपको सेकेंड राउंड में अगर कोई एम्स नहीं मिलता तो जो फर्स्ट राउंड में मिला था वो भी नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में लेके चलनी है। काउंसलिंग अच्छे से करवानी है, अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है तो यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज करके अपनी काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हो। और अगर फ्री वाली काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे एक आईडी मेंशन होती है, उनसे आप मैसेज करके बात कर सकते हो। सेकेंड राउंड आपकी स्टार्ट हो जाएगी 25 जुलाई को, उसका भी आपका अनाउंसमेंट जो होगा, रिजल्ट जो होगा, आई थिंक वो आपका उसी दिन बता रखे कि हाँ उसी दिन आपका सेकेंड राउंड का सीट अलोकेशन भी आ जाएगा, बट आई थिंक इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। और एक्सेप्टेंस आप 26 से 31 के बीच में कर सकते हो। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपका 31 जुलाई तक हो जाना चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा कि हमें तुरंत जो आपका हॉस्टल है वो अलॉट हो जाएगा, आई थिंक हाँ, क्योंकि अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट होता है तो सेकेंड राउंड के बाद ही आपको वहीं पर रुका दिया जाएगा आई थिंक। तो अगर आप प्रिपेयर होके जाते तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड जिन राउंड बच्चों का फर्स्ट राउंड में हो जाता है उनको भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने 13 से 18 के बीच में जाना है, तो आपको वही लेके चलना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेकंड राउंड विल बी इनिशिएटेड आफ्टर कंप्लीटिशन ऑफ फर्स्ट राउंड, एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस विल नॉट बी ओपन फॉर सेकेंड राउंड। तो जो आपकी फर्स्ट राउंड में आप चॉइस रख रहे हो वही सेकेंड राउंड में भी लगेंगी। तो अगर आपने पहले राउंड में 4 एम्स डाले थे, आप सेकेंड राउंड में अगर आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो और फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली है, तो आप थिंक आपको सेकेंड राउंड में भी कोई सीट मिलने के कम चांसेस होंगे। तो आप जितने ज़्यादा एम्स हो सके सारे डाल सकते हो। जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है वो दूर दूर के एम्स पहले डालो, जैसे एम्स जम्मू जो नया बना है, बिकॉज नए एम्स में आई थिंक बीएससी नर्सिंग जो कोर्स स्टार्ट हुए हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप फर्स्ट बैच होते हो तो फर्स्ट बैच को उतना आइडिया नहीं होता है। तो जो बच्चे टॉपर हैं, लाइक जिनकी अच्छी रैंक आ रखी है, वो चूज़ करेंगे कि ऐसे एम्स में जाएं जहां आपका सीनियर है। तो जम्मू है जो नए एम्स हैं उनको पहले फिल कर लो जिनकी रैंक ज़्यादा है। बाकी अगर और नोटिस देखो तो अलोकेशन कैसे करनी है वो हम यहां पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी ये जो PDF है इसको पढ़ लेना एक अच्छी तरीके से, कि आपको लॉगिन करना है अपने अकाउंट में, चॉइस मेकिंग करनी है, आप प्लस ऐड चॉइस भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो उन चॉइस को। उसके बाद आपको सबमिट और लॉक कर देना है, ये चीज़ आपको डिक्लेरेशन के साथ करनी है, वहाँ पे टिक करने को ऑप्शन आएगा, तभी आपका जो चॉइस फिलिंग है वो एप्लीकेबल मानी जाएगी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ऑफ सीट लोकेशन दे रखा है यहाँ पे, आई थिंक इस बार ज़्यादा ही नोटिस आ रखे हैं। तो सीट प्रोसीजर क्या होगा वो बता रखा है, और आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे बता रखे हैं, कि एडमिट कार्ड एम्स का, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होनी चाहिए जो बेसिक रजिस्ट्रेशन स्लिप थी, ऑफ़र लेटर जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तब आपके उसी प्रोफाइल इमेज पे आपको मिलेगा, सीट अलोकेशन भी तभी मिलेगा, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ मतलब 10th का सर्टिफिकेट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब कहीं कहीं स्टेट बोर्ड में क्या होता है ना, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ ही होती है, मतलब एक ही पेज पे होती है, तो वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। बाकी CBSE वालों के पास पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग आता है, ठीक है। कुछ 2020 से पहले आई थिंक नहीं था, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। बाकी रेडी होके चलना कि अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट में कमी है तो आप एक एफिडेविट बना लो तुरंत अपने घर के आसपास जाके,
बनवा लो। ट्वेल्थ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे टीसी मेंशन नहीं है, तो जिनके पास टीसी है वो रख लो, जिनके पास नहीं है नो मैटर। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन किया था और आपके पास टीसी नहीं होगी आई थिंक, तो एनओसी बनवा लेना अपने कॉलेज से, अगर आपने कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो, वरना आप ट्वेल्थ बेसिस पे ही अपना एडमिशन लो। और आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे दे रखी है और वैलिड डेट आपकी बता रखी है कि कितने तक वैलिड होगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट राउंड के बाद ही आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। तो आप चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हो, एकेडमिक कोर्सेज में जाना है आपको, बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड्स के बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला ओपन हो जाएगा, इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है आपने। उसके बाद वहाँ पे आया होगा कि आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेक चॉइस, तो वहाँ पे आपको एम्स ऐड करने हैं, डिलीट, जो आप एम्स अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग रखना कि आपको चांसेस कौन से एम्स मिलने के ज़्यादा हैं, तो उसको ऊपर रखना, बाकी नीचे आप रख सकते हो, ठीक है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो कमेंट में यहाँ पे आपका एक टेलीग्राम आईडी दी होगी और टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। वहाँ पे एक नंबर और एक आईडी आपको मेंशन होगी जहाँ से आप अपनी हेल्प ले सकते हो काउंसलिंग के लिए।